सभी शार्क्स को मेरा अभिनंदन, आभार और नमस्कार। मैं विदुषी विजय वर्गिया इसक फ्रेग्रेंसेस लखनऊ से हूँ। मैं इंडिया की एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जो पिछले 160 इयर्स से परफ्यूम्स बना रही हैं। ओम त्र्यंबकम वजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमय वंदनात् मृत्युमुक्षेमामृतात्। तो सुगंधि पुष्टि वर्धनम, सुगंध जहाँ है वहाँ तो स्वास्थ्य अपने आप में एक मायने रखता है। मैं परफ्यूमरी इंग्रेडिएंट्स और कॉम्पोजिशंस के अराउंड ही बड़ी हुई हूँ। ये लेदर स्किन बॉटल एक्चुअली कैमल स्किन की होती है। 200 साल पहले जब कांच की बॉटल्स कम यूज होती थी तो इस टाइप की बॉटल्स यूज करी जाती थी। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि किचन की खुशबू से ज्यादा मैं एक परफ्यूम लैब की खुशबू से कनेक्ट करती हूँ। ये तो खास है, एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड होगी ये बॉटल। शादी के बाद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ स्विट्जरलैंड रिलोकेट हुई, वहाँ के मेरे 2 साल के स्टे में मैंने फ्रेंच परफ्यूमरी मार्केट और उनके ट्रेंड्स पे रिसर्च करी। जो उनका बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे रियलाइज हुआ कि 150 साल पहले हम लोग यही तो किया करते थे जब हम नवाबों और रसूखदारों के लिए इत्र बनाया करते थे। इस गैप को स्पॉट करते हुए अपनी फैमिली से मिली मुझे जो नॉलेज मिली और अपने एक्सपीरियंस के साथ मैंने खुद का बिजनेस इसक फ्रेग्रेंसेस के नाम से स्टार्ट किया। इसमें फर्स्ट रेंज वाले जो फर्स्ट कॉलम है ये वाले लेबल्स जाएंगे सारे। ठीक है, तो इसको खाली करना बबल है, दबाते हुए बाहर आओगे तो बबल नहीं रहेगा। पिछले 4 सालों में हमने कस्टमाइजेबल और कलेक्शन बेस्ड आर्टिजनल और जेंडर फ्लूइडिक यानी जो सब लोग यूज कर सकते हैं ऐसे परफ्यूम्स और अतर्स की रेंज डेवलप करी है और इनको हम ऑनलाइन अपने स्टोर के थ्रू और कुछ सेलेक्ट रिटेल स्टोर्स के थ्रू अभी सेल कर रहे हैं। आज हमने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टैब्लिश कर लिया है बट अब हम स्केल करना चाहते हैं और इसके लिए शार्क्स मैं आपसे मांग रही हूँ 50 लाख रुपीज इन एक्सचेंज फॉर 8% इक्विटी इन माई कंपनी। हाय विदुषी, वेलकम टू लेंसकार्ट। वेलकम टू सॉरी, कितना मार्केटिंग करोगे यार, कभी तो रुक जाओ मेरे भाई, कभी तो रुक जाओ। ये आपके परफ्यूम को भी ग्लासेस बना देंगे। हाय विदुषी, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। कुछ बताइए अपने बारे में कि ये बिजनेस आपने अलग से क्यों स्टार्ट किया, फैमिली बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन किया? बिजनेस मैंने अलग से इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ एंड जैसे सबको पता होगा फैमिली बिजनेस का पार्ट होना तो आउट ऑफ क्वेश्चन था क्योंकि लड़के ही आगे लेके जाते हैं उनके हिसाब से। बेटियाँ तो शादी हो जाती हैं, दूसरे घर चली जाती हैं। स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से जो मुझे आइडियाज आते थे मैं शुरू में अपनी फैमिली में वो शेयर करती भी थी बट वो लोग एक तरीके से काम कर रहे थे एंड चेंज नहीं करना चाहते थे। तो शुरू में तो मेरे फादर ने ही काफ़ी रेजिस्ट किया, उन्होंने बोला तुम्हें क्या ज़रूरत है ये करने की, एक ऐसा बिजनेस क्यों करना चाहती हो, ये तो अब नहीं चलता है, देखो हम लोग जो लखनऊ में काम करते हैं वो ही चीज़ चलती है। तो जो पहले रेजिस्टेंस थी तो आपने सोचा नहीं इसको ड्रॉप करने का बीच में? बहुत बार सोचा, इनफैक्ट इसीलिए मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चिकनकारी का काम करती थी, वो भी लखनऊ बेस्ड ही था लेकिन मैं बैंगलोर में रहती थी और मैं उसको काम करती थी और वो इसीलिए था क्योंकि मैं इस बिजनेस में नहीं घुस सकती थी उस समय। लेकिन फाइनली आई टुक द प्लंज अराउंड 2016-17 में एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। मुझे अभी भी एक्चुअली फैमिली में एक कॉम्पिटिशन की तरह देखा जाता है। ऑल्दो आज की डेट में मेरे पापा ने ऑलमोस्ट यू टर्न ले लिया है और अब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एक मिक्स रेंज दे रही हूँ आपको परफ्यूम्स और अतर्स की। इश्क, इसक का मतलब इश्क है। राइट, माय गॉड, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। नमिता, आप जो ट्राई कर रहे हो, मैं इतर ट्राई कर रही हूँ। इतर्स आर ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स द थिंग अबाउट इतर। दिस इज परफ्यूम, दिस इज परफ्यूम। या इसका क्या प्राइस होगा? ये 3200 का सिग्नेचर कलेक्शन है। ये काफी महंगा है कंपेयर टू न्यूअर ब्रांड्स। हाँ हाँ। तो आपको कितना लगता है बनाने में? एनीवेयर बिटवीन 350-600 रुपीस। 90% मार्जिन। एंड सेकेंडली हमारे परफ्यूम्स बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से बनाए गए हैं। अपने जो लॉन्ग लास्टिंग वाला एंगल बोला आपने कहीं कम्युनिकेट नहीं किया है, मतलब वो तो एक क्लियर USP है।
जहाँ तक मेरी समझ है, ये इत्र या अत्तर का जो मार्केट है, ये एक डिक्लाइनिंग मार्केट है, और परफ्यूम मार्केट जो है वो या तो स्टेबल है या तो इंक्रीजिंग मार्केट है। तो इस बारे में आपकी कोई राय है या कोई डेटा है, आपने रिसर्च किया है? नंबर्स में तो मेरे पास डेटा नहीं है, बट आपने सही बोला, एक तो मार्केटिंग है, मार्केटिंग की वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है। इंटरनेशनल ब्रांड्स अतर्स नहीं बनाते हैं, वो लोग परफ्यूम्स ही बनाते हैं, और उनके एड्स देख के हम लोग यूज करते हैं तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं। अतर्स थोड़े महंगे होते हैं परफ्यूम्स के बजाय। वो महंगे क्यों होते हैं? वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो जो मेन जो जूस होता है एक खुशबू का, जो सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है, वो अतर प्योर 100% होता है, वाइल परफ्यूम में वो 20-25% होता है। आपका रेवेन्यू कितना है? पिछले 6 months में हमने अराउंड 18 लाख क्लॉक किया। लास्ट मंथ कितना किया विदुषी? लास्ट मंथ अराउंड 3.5 लाख। फिर आपने कैसे कहा आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया है और अभी स्केल करना है? मुझे लग रहा है 2-3 लाख रुपए महीने की सेल में, आई डोंट नो इफ दैट इज अ प्रोडक्ट मार्केट फिट एज येट। विदुषी, आपने अपना प्राइस पॉइंट टेस्ट किया है कंज्यूमर्स के साथ, जिन जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? हाँ। जो आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं बट खरीद नहीं रहे हैं? हाँ, बिकॉज हाँ। मुझे ऑनेस्टली प्राइस पॉइंट काफी हाई लगा। हमें ये चीज रियलाइज हुई, हमारे डिस्कवरी पैक्स लोग रिपीट खरीद रहे थे। आइडिया ये था कि कोई अगर ये बॉक्स ट्राई कर रहा है अपनी खुशबू पसंद करके, आप अपनी नई परफ्यूम जो भी आपको पसंद आ रही है वो खरीद सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमने वेबसाइट पे देखा बार बार डिस्कवरी पैक्स ही खरीद रहे हैं। अच्छा। फिर हमने उनसे फोन करके पूछा तो एक्चुअली उन्होंने बोला हमें आपकी खुशबुएं अच्छी लगती हैं, बट हम एक बार में उतना स्पेंड नहीं। क्या प्राइस है इसका? ये 650 का है। वाओ, यू शुड ट्राई दिस। इनका ये इन्होंने दिया है फर्स्ट रेन करके, नेचुरल मिट्टी की खुशबू है, पहली बारिश की तरह ही स्मेल करता है। हमने कभी, when I lived in the US, कभी किसको कहते हुए सुना नहीं कि गीली मिट्टी की खुशबू फर्स्ट रेन स्मेल, लेकिन इंडिया में इससे बहुत लगाव है लोगों को। हाँ। शायद बचपन याद आता है या कुछ भी याद आता है, पता नहीं, but it's a great product. वो नेचुरल प्रोडक्ट है। What do you mean natural product? वो मिट्टी से ही एक्सट्रैक्ट करके सैंडलवुड के बेस के ऊपर बनाया गया। विदुषी, मुझे आपके बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट। थैंक यू। सबसे पहले तो आपके फैमिली में बैड बेबी स्मेल तो होता ही नहीं होगा। नहीं होता है। ये बात बड़ी बड़ी अच्छी खास बात है। मुझे ये बताइए, आपने पढ़ाई क्या की? क्योंकि मुझे थोड़ी कमजोरी लग रही है बिजनेस एस्पेक्ट में। थोड़ा मुझे बताएंगे आप आपने? हाँ, मैंने MBA किया था, SMHRD पुणे से। अच्छा। MBA किया है। अच्छा, लेकिन वो रिटेन नहीं किया लगता है मुझे कुछ। मैं मेरा ऑनेस्टली कह रहा हूँ। हाँ, आप क्रिएटिव ज्यादा और बिजनेस पर्सन थोड़ा कमजोर लग रहे हैं, क्या ये बात सही है? हो सकता है, मेबी। मैं ये बोलना चाहूंगी आपको, मैं आपकी जगह होती तो मैं एक यूनिवर्सल ब्रांड नेम रखती और अपने वेबसाइट पे एक पूरा थीम होता जहां एक रेंज होती कॉल्ड इसक, विच इज लखनऊ बेस्ड, विच इज द आर्टिसनल फ्रेग्रेंसेस, नॉट द होल ब्रांड। आई डोंट थिंक इसक एज अ ब्रांड कैन कम्पीट मीनिंगफुली विद अ स्किन और ऑल द इंटरनेशनल वेस्टर्न। अगर आप बोलो कि ये लिपस्टिक 12 घंटे चलती है तो वो बहुत इजी है इंस्टाग्राम पे फट 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 स्केल करना, पर अगर आप बोल रहे हो कि ये यू नो हेरिटेज एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा लिमिटिंग हो जाता है। तो दैट्स माय थिंग। तो एनीवे, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट राइट नाउ आई डोंट सी इट एज अ बिजनेस। सॉरी बट फॉर टुडे आई एम आउट। Good luck. This is a great category. और एक आखिरी बात, मुझे भी लोगों ने काफी ना कहा था जब मैंने फादर का बिजनेस छोड़ा। हाँ। लेकिन आज जो shaadi.com बना है वही जिद से बना। तो अपने जिद को मत छोड़िए, लेकिन एक डायरेक्शन ढूंढिए। जैसे अनुपम जी ने भी बोला, बिजनेस साइड पे अभी बहुत काम करना बाकी है। ओके। तो अभी के लिए आई एम आउट, बट ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। स्केलेबिलिटी में मुझे मुश्किल लग रहा है, ब्रांड बिल्डिंग में मुश्किल लग रहा है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मेरे को तो ये लग रहा है, देखो कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एंटरप्रेन्योर भी बहुत जबरदस्त हो, आपका डिटेल ओरिएंटेशन है, डू इट योरसेल्फ है, इतना कुछ आपने ये सोच लिया है। गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। टीम आपके पास है नहीं, विजन भी नहीं है अभी, तो करा जा सकता है, पर यार
पार्टनर इक्वल बनना पड़ेगा मुझे इसमें. इक्वल? हाँ. मैं अपनी फैमिली में पहली लड़की हूँ जो ये अपना 150 साल पुराना बिजनेस परफ्यूमरी का आगे लेके जा रही हूँ और एक नई तरीके से अपनी पहचान बना रही हूँ. शुरू में मेरे पास लिमिटेड फंड्स थे. फाइनेंशियली चाची ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड चाचा ने मुझे खुशबू के फॉर्म में सपोर्ट किया. उनकी खुशबू की सेंस बहुत अच्छी है. देखो विदुषी, जो हम लोग जैस्मिन की तरफ जा रहे थे, वेरी क्लोज चाचा. हमारे घर की बेटी तो आगे होनी ही चाहिए और ये हमारा फैमिली बिजनेस है. इनका और टिनी का वैसे भी बचपन से बहुत अच्छा म्यूचुअल बॉन्डिंग रहा हुआ है, तो डेफिनेटली हमने कहा यस, जाना ही है, करना ही है. चाची के पास कितनी इक्विटी है? 50% दोनों ने साथ में. उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है? हम लोग ने मिलके उन्होंने 8 लाख किया है, मेरा 9 लाख है. आपने 50% दे दिया उनको? हाँ. क्यों, काम तो आप करती है सारा, तो 8 लाख में 50% कैसे मिल गया? मेरा ये एडवाइस रहेगा यहाँ पे चाची को, उन्होंने 8 लाख डाले हैं ना, उनको इंटरेस्ट जितने साल उन्होंने डाले हैं 12% का इंटरेस्ट लेके चाची को वापस कर देना पैसे. पीयूष, मैं कोई ऐसे कुछ नहीं बोल रही, बट मेरी चाची ने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया जब कोई और नहीं. डिसीशन मेकर दो रहेंगे खाली, आप और मैं. चाची को इन्वॉल्वमेंट में अगर रहेगी बिजनेस में तो मैं इसमें आज इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा. ये कंडीशन है कि चाची हैज टू एग्जिट द बिजनेस. तो मेरा ऑफर है आपको 50 लाख रुपए फॉर 50%. मैं आपको एक काउंटर ऑफर दे सकती हूँ, क्या 50 लाख 30% में करने को तैयार हैं? नहीं, मैं इसमें 50% से नीचे नहीं आ पाऊंगा. I'll just take 2 minutes. Yes. Sure. पीयूष बंसल सेइंग वो 50 लाख इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, बट 50% इक्विटी के लिए 16 घंटे लॉन्ग लास्टिंग मैं डेफिनेटली. जब इक्वल पार्टनर है तो फिर मिलके बात करेंगे, ऐसे जबरदस्ती तो कुछ नहीं करा सकते, बट हाँ आप ही को बेचेंगे आके. हाँ. आप ही खरीदोगे? आप ही हमसे 10 करोड़ में खरीदोगे ये बिजनेस? पीयूष, डील पक्की है. Congratulations. Thank you. I had not expected it. Congratulations. Oh my God. Piyush, thank you so much. And Isak Zada. Congratulations. हम ऐसी बहुत सारी अब आप चिंता मत करिए, कुछ बड़ा ही बनाएंगे. Thank you. My God. I'm so happy to meet all of you. All the best. Same here. Thank you. Spread your fragrance all over the world. भाई इसमें तो हाथ मिलाना बनता. Congratulations. Yeah, quite a 50% deal, man. 50%. Actually, believe ही नहीं कर पा रही हूँ अभी तो. पहले भी ये fight करके यहाँ तक पहुँची है, तो fighter तो है. हाँ जी. और receptive to feedback भी लगी मुझे. हाँ, she's. ये नहीं बोला कि मैं अपनी favorite हूँ, right? मेरी चाची ने मुझे बहुत support किया है, और उनको उनका due जो है वो मिलना भी चाहिए.